सर एक मैं सर्वे करता हूँ सर, आपका कार्यकाल पूछते लोग कि भाई सांसद साहब ने 5 साल में क्या करवाया भिवानी मंडल। बिल्कुल एक पैसा किसी को नहीं दिया, उसने टेस्ट क्लियर किया है और तहसीलदार लगे गाँव खेड़ा है जी, 20 लाख है हमारे ईबी में, 20 थाना पुलिस में, चंडीगढ़ पुलिस में, डी ग्रुप में, कौशल रोजगार में 20 लड़के। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार हरियाणा की खोज जो अपना चैनल है खोज करी जावा, हरियाणा की हर एक अपडेट हर एक न्यूज़ आपके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हूँ क्योंकि बहुत जल्द सड़कों पर चुनाव है MP के, सबसे बड़ी पंचायत के, भारत देश के प्रधानमंत्री के चुनाव हैं, MP चुनाव हैं और जून में रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि देश में सत्ता व्यवस्था परिवर्तन होगा या यह सत्ता व्यवस्था राज व्यवस्था रहेगी उस बात का चुनाव जनता करेगी। आज शिवानी के अंदर मैं मौजूद हूँ हालचोट के अंदर और कैमरामैन साथी दिखाना हुआ भाई महाराजा अगरसेन भवन शिवानी मंडी। आज जो है जो हमारे सांसद हैं हालचोट के भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा सीट के चौधरी धर्मवीर सिंह, 2 बार के लगातार सांसद और 3री बार फिर प्रत्याशी हैं भाजपा के। अब वह जीतेंगे हारेंगे वो भविष्य गर्म में है, लेकिन आज जो है लुहारू हल्के का जो भाई दौरा करने लग रहे हैं, पहले लुहारू में फिर बैल में अब शिवानी पूछेंगे और शिवानी में जनता तक के भाषण दे के जाए, के वार्तालाप कर की जाए, के संदेश दे के जाएंगे वह चीज़ भी आपने सुनाओगे। उससे पहले जो जनता एक बार कैमरा मैन साथ कहूँगा जितनी गाड़ी जितना लारा लाग रहा है भाई, जो लोग इंतजार करने लाग रहे हैं चौधरी धर्मवीर सिंह और जो हरियाणा के भूतपूर्व कृषि मंत्री और हालचोट के जो वित्त मंत्री हैं JP दलाल साहब, उनका अब वह के वार्तालाप करके जाए, वह भविष्य गर्म वह भी चीज़ सुनावा, लेकिन तब तक जो है जब तक वह पहुँचे हैं जनता तो प्यार प्रेम बुझ लिया कितना मिलेगा आने वाले चुनाव में। भाई साहब खड़े राम राम भाव जी। राम राम जी। शुभ नाम? मंदरूप सिंह सांगवान। कौन सा काम अपना? गाँव खेड़ा। खेड़ा तो भविष्य में अब चुनाव है MP के लगा किस तरफ जागी बहनी की सीट? मोदी ने देखी तो सारी आनी चाहिए बहनेगी भी आवा सारा हरियाणा में दसों की दसवाऊंगी। तो यो फिर और पार्टी इकट्ठे हो जाओ, पार्टी तो नहीं हुए हैं कोई अनका जनादार नहीं, कोई जनादार है कोनी। तो फिर चौधरी धर्मवीर सिंह मतलब 3री बार आप मान होगी? हाँ पक्का पक्का मोदी के कारण मिले हैं धर्मवीर ने तो। अच्छा हाँ नहीं तो बहुत महंगा ही को नहीं, आप तो आ गई। अच्छा क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने काम बहुत करे गरीब के लिए, मकान बनाना, डर राशन देना। अच्छा। और सहायता पानी की मारा तो मतलब JP दलाल करे इतना कहीं कराया ही नहीं आज तक। तो आप सांगवान हो मतलब जाट बिरादरी? सांगवान। तो फिर हरियाणा तो नू भी सुना है कि भाई जाट नॉन जाट जो नॉन जाट कुछ नहीं, मनोहर सरकार 4.5 साल करी है, जाटा रोड़ा खत्म कर दिया। अच्छा बढ़िया काम कर, बढ़िया नेता है। अच्छा इस तरह धरातल पर कोई चीज नहीं? कोई नहीं है। अच्छा राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। शुभ नाम भाई? संदीप कुमार भाई साहब। कौन सा गाँव अपना? देवसर गाँव भाई। देवसर तो सांसद के चुनाव हैं भविष्य में के लगा किस तरफ जाएगी बहने की सीट? भाई साहब धर्मवीर MP साहब हैं वो क्लियर जीत है उनकी। क्लियर जीत है बिल्कुल। तो राव बहादुर भी खड़े हैं, कांग्रेस से भी कौन कौन चेहरा रहा होगा? भाई साहब कांग्रेस से एक चेहरा हुई तो टिकट गई कटे, अरेब नए और ले आए हैं के उसकी भी कट जाएगी, MP साहब की क्लियर जीत है भाई साहब। तो देखो ना 2014 के अंदर श्रुति चौधरी 3रे नंबर पर थी और 2019 के अगर आप पोलिंग देखोगे भिवानी की सीट की, भिवानी मंदरगढ़ सीट की, तो 2रे नंबर पर, यानी कि वोट बैंक तो कांग्रेस का बढ़ा है, तो आप मतलब कमजोर तो नहीं कह सकते? ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आज के दिन मोदी जी का डंका है देश के अंदर, 400 पार का नारा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ 500 पार है अगली बार। 500 पार है? हाँ जी भाई साहब। ऐसा क्या कर दिया था मोदी जी ने? मोदी जी ने काम देखो, आयुष्मान कार्ड है, सारी चीजें हैं, एक समान मतलब करिए कर रहा है मोदी से। अच्छा हाँ जी सब ना बराबर लेके चल रहे हैं? बराबर लेके चल रहे भाई। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। शुभ नाम भाई? सुरेंद्र सिंधु। कौन सा गाँव हमारा? नलोई गाँव भाई साहब। नलोई हल्का लुहारू। हाँ जी। तो फिर धर्मवीर जी कितने वोट के लागे है जीत? आर क्लियर जीत है भाई साहब। कितना का अंतर रहेगा पहले दूसरे का? भारी मतों से है पहले नाम से, तो और ज्यादा संख्या वोटों की वोट बढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो लोगों का तो ये शिकायत भी रहा है कि भाई सांसद साहब घाटा हुए जनता बीच में। ना ना यो बैम है। अच्छा हाँ बिल्कुल क्लियर जीत है, एक तरफा। एक तरफा है? हाँ जी मोदी मोदी हो रही है। मोदी मोदी हो रही है। हाँ जी। आज बाबू जी नहीं
हाँ जी राम राम जी सभी चैनल वालों को। तो देखिए सारी और माहौल बना हुआ है बीजेपी का। अच्छा, तो इसमें कोई शक नहीं है, मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, तो किसी को भी ये इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। बीजेपी सरकार पूरे समर्थन के साथ आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया है जिससे किसानों की आय बढ़ रही है, व्यापारी वर्ग खुश है, मजदूर खुश है, और सब व्यक्तियों की आय बढ़ रही है। पीछे से आप 5 साल के दौरान देख लो, गाँव में जाओगे आप, अब बड़ी बड़ी कोठियाँ मिलेंगी, पक्की सड़कें मिलेंगी, साफ सफाई मिलेगी, जो आज से 5-7-10 साल पहले गाँव में नहीं थी। तो ये सब बता रही है कि गाँव में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। तो विकास होता बाबू जी रोजगार थे, हाँ, नौकरियां थे। अगर गाँव में नौकरी बढ़ेंगी, लोग नौकर लगेंगे तो विकास होगा, वो उसकी बताओ। नहीं, रोजगार के बारे में ये है, आज 500 रुपये में मजदूर को नहीं मिल रहा, तो बताओ रोजगार की कमी क्या है। छोटा गाँव खेड़ा है जी, 20 लाख हमारे में, 20 खेड़ा में। हाँ जी, हरियाणा पुलिस में, चंडीगढ़ पुलिस में, डी ग्रुप में, कौशल रोजगार में 20 लड़के। तो फिर नू बताओ, लड़कियाँ तो पहले नू बताओ, 5-7 लाख में लाया जाएगा, 15-20 लाख, 1 रुपया कौन लगे, 1 रुपया भी किसी का, 1 रुपया कौन लगे जी। लोहारू से, लोहारू विधानसभा से तहसीलदार लगे, उनके घर जाके देखो आप, खटिक समाज से है वो। अच्छा, और बिल्कुल एक पैसा किसी को नहीं दिया उसने, टेस्ट क्लियर किया है और तहसीलदार लगे, आप जाओ भी ये पता भी करो, ये कोई छुपाई हुई बात नहीं है, बिल्कुल सरेआम। आज रुपये देनी है बाबूजी, नू क्यों बताओगा, मैंने दे रखे हैं। देखो जी मेरी बात सुनो आप, रुपये देनिया बतावा को नहीं, मगर दिक्कत तो है, अगला घर जाके देखो आप, घर जाके आप देखो भी रुपया जुगाड़ी को नहीं, अगला मान लो 1 लाख रुपया का ही, और वो तहसीलदार ले गया सीधा लड़का। आज बिल्कुल खुशी की बात है कि आज बिना पैसे नौकरियां मिल रही हैं, और बिना पैसे मोदी सरकार में मिलती रहेंगी और हरियाणा सरकार में मिलती रहेंगी। और धर्मवीर की आप जीत के बारे में कह रहे थे, तो मेरा कहना ये है कि पिछली बार 2.5 लाख थे, इस बार ही 5 लाख होंगे हमारा, ये बिल्कुल बिल्कुल 5 लाख, हाँ 5 लाख से पड़ेगा ना, तो गलिया गेट ही पड़ेगी, कमी को ना जीते हैं। और बोलो, अच्छा बिल्कुल 5 लाख की जीत बताओ भाई साहब, बिल्कुल गुल्ली बता रही है ज्यादा वैसे आगे के। चलो भाई मंत्री जी, एक बार कैमरामैन साथी कहूँगा उस साइड भी घुमा दे, जिसका इंतजार था, जिस पल का मंत्री जी भी पहुँच गए हैं, और अब रूबरू होने की कोशिश करांगे, और जो सवाल आता भी लेके आए यहाँ शिवानी के अंदर, वो चीज़ें बुझने की कोशिश करांगे। अब वो के बताओ हैं, वह समय की बात है, तब तक के लिए वीडियो शेयर कर देते हैं, कल तो विषय बता। नहीं नहीं, क्योंकि चुनाव की तिथियाँ घोषित हो चुकी हैं, लोग फसल में लगे हुए हैं, मुझे लगता है आने वाले 10-12 दिन के बाद लोग फारिग हो जाएंगे, तब तक मंडल सत्र पर ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, और विधानसभा के हिसाब से 9 विधानसभा हैं अपनी इस लोकसभा में, हम आने वाली 12 तारीख तक सभी विधानसभाओं के हिसाब से हर मंडल की मीटिंग इसी प्रकार से कर रहे हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग में जागरूकता कैसे हो, हार जीत की बात नहीं, केवल वोट परसेंटेज अपना ज़्यादा बढ़ाओ, पोल ज़्यादा करो, क्योंकि हरियाणा में 10 सीट हैं, 10 की 10 सीट लोकसभा की पहले से भी ज़्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा मार्जिन और ज़्यादा बढ़े इस सीट का। जब फौज का सेनापति पीछे हट जाए, तो जो दूसरे सिपाही हैं वो किस बात के लिए फौज में खड़े रहेंगे, उनके अपने लीडर सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो जब अपने क्षेत्र को छोड़ के कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, और दूसरे लीडरों को कहते हैं कि आप चुनाव लड़ो, वो कहते हैं कि हमारी हार निश्चित है, हमें क्यों लड़ा रहे हो, किसी और को लड़ा लो, इसलिए मुझे लगता है ये फैसला नहीं ले पाए। 2014 लोकसभा चुनाव में सर दूसरे नंबर पर राव बहादुर सिंह रहे थे, और 2019 में श्रुति चौधरी रही थी, आपको क्या लगता है इस बार? दूसरे तीसरे का पता नहीं चल रहा, पिछली बार आपकी जीत 4,44,000 समथिंग थी, इस बार ये जीत और कहीं ज़्यादा बढ़ने जा रही है, और फिर उनमें से कौन क्या वोट लेगा अभी तो उन्होंने फैसले नहीं करे हैं कौन लड़ेगा। ईडी का भी एक वो बड़ा वो करता है सर कि भाई बीजेपी जो है ईडी छोड़ देती है। मैं कहता हूँ जो बजट 2010 में केंद्र का बजट था उससे 2.5 गुना ज़्यादा बजट कैसे आया है, चोरी को रोकी है तभी तो आया है, तभी तो आपका 49 लाख करोड़ रुपया सालाना केंद्र का बजट है, ये नया टैक्स नहीं लगा, ये वही पैसा है जो लोग पहले चोरी कर लेते थे, अब चोरी बंद। सर एक मैं सर्वे करता हूँ सर, आपका कार्यकाल पूछते लोग कि बसंत साहब ने 5 साल में क्या करवाया विधान मंडल में? आप यहाँ से कहाँ जाते हो, हिसार जाते हो कभी जी? इधर भी राजगढ़ की तरफ ही जाते होगे जी? नहीं जाते,
यहाँ से दिल्ली भी जाते होंगे, रेल में भी जाते होंगे, कभी बार सड़क पर भी जाते होंगे, उसके ऊपर नीचे जाओगे जब नहरों की भी देखते होंगे, आप खुद देखते होंगे कि कितना बदलाव है। वो बदलाव ही करना हमारा काम है। बैठा है बन गया हाँ जी।